हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन होते क्या हैं? ट्रैक्शन किसी भी बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, उसको नॉर्मल पोजीशन में वापस लाने के लिए हम कुछ फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स एक वेट के साथ लगाते हैं, तो एक किसी भी टाइप का फोर्स वेट के साथ यूज करवाते हैं तो वो क्या होते हैं? ट्रैक्शन होते हैं। मतलब किसी भी बोन को एक अलाइनमेंट के अंदर रखना, एक नॉर्मल पोजीशन में रखने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? ट्रैक्शन बोलते हैं। तो हम बात करते हैं आज ट्रैक्शन की। देखो, ट्रैक्शन होते क्या है कि ट्रैक्शन इज द फोर्स, भाई फोर्स लगाया जा रहा है अप्लाई इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस बोन का आप जिस अलाइनमेंट में रखना है उस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, फोर्स लगाया जा रहा है, एक बात क्लियर। एंड अप्लाई द फोर्स नीडेड टू ओवरकम द नेचुरल फोर्स, वो जो नेचुरल फोर्स है उसके अगेंस्ट क्या किया जा रहा है? एक तरह से जिस बोन को जितनी लंबी आपको स्ट्रेट रखनी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या करना है? फोर्स अप्लाई करना है। एंड पुल ऑफ मसल्स ग्रुप्स, मसल्स ग्रुप्स को क्या किया जाता है? खींचा जाता है, पुल किया जाता है, खींचा जाता है। किसके द्वारा? किसी भी डिवाइस के द्वारा जो एक तरह से पर्टिकुलर पार्ट की बोन को सीधा रखे, अलाइन रखे, उसके लिए यूज करवाया जाता है। तो जब ट्रैक्शन लगाते हैं तो किस चीज़ की यूज जरूरत होती है? तो हम बोलते हैं जैसे रोप्स होते हैं, रस्सी वगैरह यूज करवाते हैं कई बार, और इसके अलावा पुलिस होते हैं। भाई पुली, पुली होती क्या है कि एक तरह से घूमने वाली होती है जिसके ऊपर आपने रस्सी लगा दी और जितना आप वजन उसके ऊपर लटका रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी? एक पर्टिकुलर पार्ट को पुल करेगी, है ना। तो इस प्रकार से देखो इमेज में दिखाया गया है कि ये देखो आपकी है पुली है, ठीक है, जिसके ऊपर रस्सी है वो घूम रही है। इसके अलावा यह रूप्स आपके ये रस्से हैं, तो रस्से भी यूज करवाते हैं खींचने के लिए और वेट भी यूज करवाते हैं। भाई जैसे रस्से हैं, रस्से को इस घूमने वाले पुली के ऊपर उसने घुमा के इधर क्या कर दिया? वेट अप्लाई कर दिया। इस प्रकार से तीन चीजों की जरूरत होती है जब आप ट्रैक्शन यूज करवाते हो। तो ट्रैक्शन में आपको रस्सी की जरूरत होती है, ट्रैक्शन में आपको पुली की जरूरत होती है, और ट्रैक्शन में आपको वजन की जरूरत होती है। तीनों चीजों की जरूरत होती है तभी क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, एक फोर्स डेवलप किया जाता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार की चीज को क्या बोलते हैं? हम ट्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम के अंदर इनके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हम आगे बात करते हैं इसकी। ट्रैक्शन लगाने का पर्पज क्या है? भाई ट्रैक्शन लगाते क्यों है? तो हमने पहले बात की कि ट्रैक्शन इसलिए लगाते हैं कि कोई फ्रैक्चर वाली बोन होती है उसको सीधा किया जाता है, उसको एकदम आप सेंटर लाइन में लेके आ जाओगे तो वो इजीली क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, और फ्यूज हो जाएगी तो एक बोन जो नॉर्मल थी पहले वो कंडीशन वापस डेवलप कर लेगी। तो एक तो हो गया कि रिड्यूस एंड इमोबिलाइज फ्रैक्चर, भाई ट्रैक्शन लगा दिया तो अब बोन आपस में मूव नहीं कर पाएंगी, बोन सीधी हो गई, आपस में क्या नहीं होगा? उनका मूवमेंट नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात ये होता है कि फ्रैक्चर हुआ हुआ बोन को आप यदि ज़्यादा मूव करवाओगे तो ज़्यादा मल्टीपल फ्रैक्चर होंगे, तो फिर क्या होगा कि आपने ट्रैक्शन लगा दिया तो अब उसके फ्रैक्चर ज़्यादा नहीं होंगे, कम हो जाएंगे, एकदम से मिनिमाइज हो जाएंगे, और पार्ट मूव नहीं करेगा क्योंकि हमने क्या कर दिया? उसको वेट के साथ पुल कर दिया, पहली बात। दूसरी बात है टू रिगेन नॉर्मल लेंथ, भाई पहले जैसे फ्रैक्चर होने के बाद में बोन है वो साइड में चली जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे सपोज करो कि ये एक बोन है, डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है, इस बोन का यहाँ से क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद में देखो ये वाली बोन है वो यहाँ से फ्रैक्चर हुई, यस, और इसका जो आधा पार्ट है वो इस प्रकार से साइड के अंदर मूव कर गया। तो अब देखो इस बोन की क्या हो गई? ये अलाइनमेंट छोटा हो गया, इसका अलाइनमेंट छोटा हो गया, ये जो नॉर्मल लेंथ थी उससे कम हो गई, तो अब इसको यहाँ से हम पुल करेंगे और किधर लेके आ जाएंगे? नॉर्मल पोजीशन में लेके आ, तो वापस क्या किया जा रहा है इसमें? रीगेन नॉर्मल लेंथ, नॉर्मल लेंथ को वापस रीगेन किया जा रहा है। नेक्स्ट वन है टू लीसन, टू लीसन लेस करना एंड एलिमिनेट मसल स्पाज्म, मसल के कई बार मसल्स खिंच जाती है, मसल्स में स्ट्रेन स्प्रेन जैसे टेंडन के अंदर देखने को मिल रहा था ना, स्प्रेन स्ट्रेन, इसी प्रकार से मसल्स के अंदर, मसल्स फाइबर्स के अंदर स्पाज्म हो जाता है, उन मसल्स फाइबर्स के स्पाज्म में पेन को और उसके जो एक तरह से अबनॉर्मलिटी हुई है उसको कम करने के लिए हम यूज करवाते हैं। यस स्टूडेंट, तो स्पाज्म को एलिमिनेट करना है इसके लिए यूज करवाते हैं। टू परवेंट डिफॉर्मिटी,
डिफॉर्मिटी ये है कि ये जो बोन फ्रैक्चर हुई थी ये साइड में जाके दूसरे ऑर्गन को भी क्या करेगी, डैमेज करेगी। अब साइड वाले ऑर्गन को जब डैमेज करेगी तो फिर क्या होगा, मल्टीपल ट्रॉमा होगा। इस मल्टीपल ट्रॉमा को प्रिवेंट करने के लिए या फिर अदर ऑर्गन डैमेज नहीं हो इसके लिए भी हम क्या यूज करवाते हैं, ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन किसके लिए है, डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा रिड्यूस पेन, पर जैसे साइड के अंदर बोन है वो जा रही थी और दूसरे पार्ट पे प्रेशर लगा रही थी, दूसरे पार्ट जब कंप्रेस हो रहे थे तो दूसरे वाले पार्ट के कंप्रेस होने से पेन हो रहा था, आपने ट्रैक्शन लगा के बोन को नॉर्मल पोजीशन में वापस लिया तो अब साइड में प्रेशर नहीं होगा, साइड में कंप्रेशन नहीं होगा, साइड में कंप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, पेन कम हो जाए। तो ये जो पांचों हैं ये क्या है, आपके पर्पज हैं, ट्रैक्शन लगाने के पर्पज। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप ये लगाते हैं ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन लगाने के पर्पज हमने देखा तो ये अलग अलग होते हैं, बच्चों के अंदर और अडल्ट के अंदर अलग अलग टाइप के ट्रैक्शन लगाते हैं क्योंकि बॉडी की साइज के अकॉर्डिंग ट्रैक्शन लगते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रैक्शन। जब टाइप ऑफ ट्रैक्शन की बात करते हैं तो पहला आता है ऐसे ट्रैक्शन जो डायरेक्ट स्किन पे लगते हैं, भाई जैसे सुपरफिशियली लगा रहे हैं आप बॉडी के, तो वो ट्रैक्शन कौन से हो गए, स्किन के। यानी ऐसे ट्रैक्शन जो डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में हो, स्किन के कॉन्टेक्ट में हो, कैसे ट्रैक्शन होते हैं, स्किन ट्रैक्शन। ओके, स्किन ट्रैक्शन में हम कई चीजें होते हैं, जैसे पैरों के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है क्लब फुट में, तो उसमें बूट पहना देते हैं बच्चे को, तो वो कौन से ट्रैक्शन हो गए, तो बोलेंगे वो बूट वाले ट्रैक्शन हो गए। तो बूट के ट्रैक्शन है सर्वाइकल हेल्टर होते हैं, ये जो आपका नेक वाला एरिया है इसको एक फिक्स कर दिया जाता है डिवाइस के द्वारा जो आप आगे देखेंगे, तो इस प्रकार के ट्रैक्शन होते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा पेल्विक बेल्ट, पेल्विक बेल्ट, पेल्विक के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है तो पेल्विक के एरिया पे बेल्ट लगा के उसको क्या कर देते हैं, फोर्स के द्वारा पुल कर देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉन्टेक्ट विद द स्किन, ये जितने भी ट्रैक्शन है डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट है, स्किन के कॉन्टेक्ट में, तो इस प्रकार के। इसके अलावा स्किन ट्रैक्शन इज यूज ए टेम्परेरी मेजर, मतलब अडल्ट में लगाते हैं तो टेम्परेरी टाइम के लिए लगाते हैं, टेम्परेरी मेजर के लिए यूज करवाते हैं, टू कंट्रोल द मसल स्पाज्म। ठीक है, मसल स्पाज्म और पेन को कम करने के लिए अडल्ट में टेम्परेरी यूज करवाते हैं किसका, स्किन ट्रैक्शन का, लेकिन बच्चों के अंदर ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज करवाते हैं कि इट मे बी यूज डेफिनेटिवली टू ट्रीट फ्रैक्चर ऑफ, डेफिनेटिवली टू ट्रीट फ्रैक्चर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर डेफिनेटली फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रैक्शन लगाते हैं, जबकि अडल्ट के अंदर टेम्परेरी मेजर के लिए, जैसे टेम्परेरी हम स्पाज्म हो गया उसको ट्रीट करने के लिए, पेन हो रहा उसके लिए, लेकिन तो यहाँ पे बात क्लियर होगी, अडल्ट और बच्चों के अंदर थोड़ा डिफरेंस है स्किन ट्रैक्शन के। क्लियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैक्शन की, कि स्किन वाले ट्रैक्शन है उन ट्रैक्शन में टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइप बक ट्रैक्शन। बक ट्रैक्शन होता क्या है कि इसमें कोई भी आप फोर्स लगा रहे हो या फिर वेट के द्वारा कोई भी आप फोर्स यूज किए जा रहे हो, वो एक सिंगल डायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन में होता है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल लगा रहे तो लॉन्गिट्यूडिनल, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे तो हॉरिजॉन्टल, मतलब एक ही डायरेक्शन में। जैसे आपको एक इमेज देख रही है, ये पर्सन है वो सुपाइन पोजिशन में है और इसकी एक्सट्रीमिटीज, कौन सी एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, वो एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट में आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रैक्शन लगाया और ट्रैक्शन लगा के ये आपने रस्सी को यूज किया, लाइन ऑफ पुल है, ये आपकी लाइन ऑफ पुल है, फिर पुली आई इससे, फिर रस्सी है नीचे की तरफ, फिर वजन लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों चीजें यूज हुई है। देखो ट्रैक्शन में रस्सी यूज हुई है, पुली यूज हुई है और वजन यूज हुआ है, तो तीनों को हमने बोला था कि जहां पे तीनों चीज यूज होती है उनको क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो देखो इसके अंदर ये जो बक्स ट्रैक्शन है ये अडल्ट में यूज करवाते हैं, किसमें यूज करवाते हैं स्टूडेंट, बोले अडल्ट में यूज करवाते हैं, अडल्ट में मोस्ट कॉमन ट्रैक्शन यूज करवाने आते हैं। कब यूज करवाते हैं, जब किसी पर्सन के बैक में पेन होता है, बैक एक होता है, बैक में पेन होता है, मसल पेन होता है, कई बार हिप के फ्रैक्चर हो जाते हैं, हिप के फ्रैक्चर में यूज करवाते हैं बैक के पेन में, और इसके अलावा एसिटाबुलम केविटी के, या एसिटाबुलम केविटी में फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उसमें भी कौन से ट्रैक्शन यूज करवाते हैं, तो बोले कि बक्स ट्रैक्शन यूज करवाते हैं। फीमर के नेक का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें भी यूज करवाते हैं, जैसे ये हमने पढ़ा था कि ये फीमर है, ये फीमर का नेक है, इस फीमर के नेक में क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो भी कौन सा ट्रैक्शन यूज करवाते हैं, बोले बक ट्रैक्शन। इसके अलावा एसिटाबुलम केविटी के, बैक पेन के और पेल्विस के, इस सब में कौन सा ट्रैक्शन यूज करवाते हैं, तो हम बोलते हैं यस
बक्स ट्रैक्शन। तो बक्स ट्रैक्शन अडल्ट में यूज कराने वाले ट्रैक्शन होते हैं। इमेज आपको दिख रही है, इमेज आपको एग्जाम में इसी टाइप की दिखेगी, तो वहाँ पे आप भी कौन से आंसर पे टिक लगाओगे, बोले बक ट्रैक्शन पे। ठीक है, इमेज देख के क्वेश्चन को सही करना। सेकंड टाइप का होता है जिसको बोलते हैं रूसेल ट्रैक्शन। भाई देखो, रूसेल ट्रैक्शन में एस आ रहा है, इसका मतलब ये स्किन से रिलेटेड है। वैसे तो स्केलेटल में भी एस आता है, लेकिन हम जो अभी जो ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं वो स्किन के ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो स्किन का पहला ट्रैक्शन हमने बक्स ट्रैक्शन देखा, दूसरा ट्रैक्शन होता है रूसेल ट्रैक्शन। रूसेल ट्रैक्शन में होता क्या है कि इसके अंदर दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपकी बार, मतलब हिप का फ्रैक्चर है, इसमें क्या हो रहा है कि पर्सन को पहले ऊपर की तरफ पे फोर्स लगाया जा रहा है और उसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगाया जा रहा है, फिर वजन लगाया जा रहा है, इस प्रकार का ट्रैक्शन होता है। तो ये इमेज में दिख रहा है आपको कि नी के ऊपर से डिवाइस यूज हो रही है, उससे फिर रस्सी लगा के पुली यूज करते हैं और उससे क्या कर रहे हैं, फिर रस्सी को दो तीन डायरेक्शंस के अंदर पुली यूज करवा के वजन को यूज किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, यूज ए अलाइन ऑफ फ्रैक्चर फीमर शाफ्ट। फ्रैक्चर फीमर की शाफ्ट है, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको सीधा करने के लिए पहले हम कौन सी डायरेक्शन में, अफवार डायरेक्शन। भाई ये ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है तो इसको कौन सा वजन बोलेंगे, अफवार्ड में। ठीक है, इसके बाद में ये सीधा लग रहा है तो ये कौन सा हो गया, ये लॉन्गिट्यूडिनल, ये कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लगाते हैं, इसमें लगाते हैं तो हम बोलेंगे अडल्ट में लगाते हैं। ठीक है, लोअर लेग इज सपोर्टेड इन सीलिंग। भाई लोअर लेग इज सपोर्टेड इन सीलिंग जस्ट बिलो द नी, ये जो आप सीलिंग यूज करवा रहे हो ये नी से जस्ट बिलो यूज करवा रहे हो, और कौन सी डायरेक्शन में यूज करवा रहे, अफवार्ड और लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में फोर्स यूज करवा रहे। तो ये इस टाइप के ट्रैक्शन होते हैं। देखो, बक्स के अंदर तो आप सीधा लगा रहे थे, रूसेल में आप पहले ऊपर की तरफ लगा रहे हो फिर आप सीधा लगा रहे हो, तो ये दोनों इमेज हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो इमेज के अकॉर्डिंग बता देंगे कि ये कैसा है, बोले रूसेल टाइप के ट्रैक्शन है और पहले वाले थे बक्स टाइप के ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों ही अडल्ट में यूज करवाए रहे हैं। यस स्टूडेंट, क्लियर रूसेल ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया रूसेल ट्रैक्शन। थर्ड टाइप का ट्रैक्शन देखते हैं जिसको बोलते हैं बैरियन ट्रैक्शन। बैरियन ट्रैक्शन इस प्रकार के ट्रैक्शन जो स्पेशली यंग चिल्ड्रन में यूज करवाते हैं। इसके बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये चिल्ड्रंस के अंदर या स्पेशली इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर किस टाइप के ट्रैक्शन यूज करवाते हैं, तो हम बोलेंगे बैरियंट टाइप के ट्रैक्शन। बैरियंट टाइप के ट्रैक्शन किस में यूज करवाते हैं, तो हम बोलेंगे बच्चों के अंदर, स्पेशली जो 6 साल से कम वाले बच्चे होते हैं, 6 साल से कम वाले बच्चों में इस प्रकार के ट्रैक्शन यूज करवाते हैं। अच्छा, इसी बैरियंट ट्रैक्शन को हम बोलते हैं गैलॉस ट्रैक्शन। इसको क्या बोला जाता है, गैलॉस ट्रैक्शन बोला जाता है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रखा गया नाम है। तो बैरियंट ट्रैक्शन को गैलॉस ट्रैक्शन बोलते हैं, इसमें यूज करवाते हैं यंग चिल्ड्रंस के अंदर जिनकी एज कितनी होती है, 6 साल से कम होती है। देखो, आपको एक बच्चा है, आपको दिखा दे रहा डायग्राम, ये बच्चा है जिसके आपने क्या किया, हिप एरिया से यानी कि बटेक्स स्लाइडली एलिवेटेड एंड क्लियर टू बोर्ड, यानी बटेक्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये टच नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे देखो ये टच नहीं हो रहे हैं, बेड पे टच नहीं हो रहे हैं, इस बोर्ड से उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको नी स्लाइडली फ्लेक्स, नी है वो सीधा नहीं है, थोड़ा फ्लेक्स है, नी क्या है, स्लाइडली फ्लेक्स है, और फिर इसको आपने क्या कर दिया, पुल कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के ट्रैक्शन में आपने देखा कि हिप से 90 डिग्री आपने फ्लेक्स कर दिया, हिप को 90 डिग्री क्या कर दिया, यहाँ पे फ्लेक्स कर दिया, और बच्चों के पैर सीधे ऊपर की तरफ क्या कर दिया, स्ट्रेट खड़े कर दिए। तो इस प्रकार के ट्रैक्शन होते हैं बैरियंट ट्रैक्शन और गैलॉस ट्रैक्शन। तो ऑर्थोपेडिक ट्रैक्शन है जो 6 साल से कम बच्चों में होते हैं, यंग चिल्ड्रंस में होते हैं। पेशेंट लिम्स आर सस्पेंडेड इन द एयर वर्टिकली, मतलब जो एक्सट्रीमिटीज है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, उसको हवा में रख दें, सस्पेंडेड इन एयर्स, और कौन सी पोजिशन है, भाई ये स्ट्रेट है तो वर्टिकल, भाई ये ओरिजोनटल है तो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल पोजीशन में बेबी के दोनों पैरों को ऐसे रखा जाता है, ऐसी पोजीशन में। ठीक है, एट ए 90 डिग्री एंगल, भाई देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो बोलेगी 90 डिग्री एंगल पे वर्टिकली रखा जाता है, किसको, हिप को।
हिप को रख रहे हैं लेकिन नी स्लाइडली फ्लेक्स्ड, बट नी क्या है स्लाइडली यहाँ पे फ्लेक्स्ड हो रहे हैं। तो देखो इस प्रकार से हम ले सकते हैं कि दो हमारे पैर हैं, इनको क्या कर दिया, हिप से तो 90 डिग्री मोड़ दिया लेकिन जो आपके नी है वो स्लाइडली क्या है फ्लेक्स्ड है। तो इस प्रकार से वजन को हमने क्या किया अप्लाई किया है, कौन सा ट्रैक्शन, बीरियन ट्रैक्शन। बच्चों याद रखना बीरियन ट्रैक्शन किस में यूज करवाते हैं, बोले चिल्ड्रंस में। कितने साल के बच्चों में, बोले 6 साल के कम बच्चों में यूज करवाते हैं। किसके लिए यूज करवाते हैं, हिप के फ्रैक्चर। हिप के कौन से फ्रैक्चर, हिप डिस्प्लेसिया वाले फ्रैक्चर, फीमर के फ्रैक्चर, बच्चों में इस प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं। कौन से ट्रैक्शन यूज करवाते हैं, बोले ब्रियन ट्रैक्शन। तो ये ट्रैक्शन यूज कौन कौन सी कंडीशन में करवाते हैं, हिप डिस्प्लेसिया, हिप डिस्प्लेसिया। हिप डिस्प्लेसिया कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी होती है जिसके अंदर फीमर का हेड एसिटाबुलम केविटी में नहीं रहता है, साइड में चला जाता है, ठीक है, जिसके लिए हम कुछ आगे साइन पढ़ेंगे, ओर्टालेनी साइन, इसके अलावा बुर्सेलो साइंस, ये सब साइन है, ये साइन सॉरी ब्रासलो साइन, ओर्टालेनी साइंस और एलिन एलिस साइन, ये सारे साइन किसके होते हैं, ये हिप डिस्प्लेसिया के होते हैं। तो हिप डिस्प्लेसिया के करेक्शन के लिए हम यूज करवाते हैं क्या, बीरियन ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा फीमर के फ्रैक्चर में, फीमर के फ्रैक्चर में भी क्या करवाते हैं, इस प्रकार के ट्रैक्शन यूज करवाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के ट्रैक्शन बच्चों में होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, इमेज के अकॉर्डिंग आप राइट आंसर दे दोगे। तो ये तीन टाइप के ट्रैक्शन थे, ये स्किन ट्रैक्शन थे, ये डायरेक्ट स्किन के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्किन पे लगाने वाले ट्रैक्शन कौन कौन से हैं, तो हम बोलेंगे बक ट्रैक्शन, रूसेल ट्रैक्शन और वीरियन ट्रैक्शन। तीनों ट्रैक्शन कौन से होते हैं, स्किन वाले होते हैं, स्किन पे अप्लाई होते हैं, ये सुपरफिशियली कॉन्टेक्ट होते हैं स्किन के, क्लियर। सेकेंड वाले ट्रैक्शन होते हैं जिनको बोलते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन में क्या होता है कि अब की बार जो आप ट्रैक्शन लगाओगे वो ट्रैक्शन बोन पे टच होंगे, भाई स्किन के ऊपर आप होल बनाओगे और स्किन के होल बना के किस पे टच करना है, बोन पे टच करना है, यानी स्केलेटल पे टच करना है। तो इस प्रकार के ट्रैक्शन बोलते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन। तो देखो पहला है कि ट्रैक्शन अप्लाई ऑन अंडर असेप्टिक कंडीशन, भाई ट्रैक्शन लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, होल बना रहे हैं, होल बना रहे हैं, तो होल बना रहे हैं तो वहां पे जो होल बन रहा है वो असेप्टिक टेक्निक के अंदर यूज होना चाहिए, मतलब वहां पे इन्फेक्शन के ज्यादा चांस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि पेनिट्रेट वाली कंडीशन है, आप इन्विजन कर रहे हो, आप इन्वेसिव प्रोसीजर है तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांस रहेंगे। तो आप जब ये ट्रैक्शन लगाओगे तो क्या करोगे कि उस पार्ट को क्लीन करोगे, असेप्टिक टेक्निक यूज करोगे। एक नर्स या एक डॉक्टर जब इस प्रकार के ट्रैक्शन लगाता है तो ग्लव्स यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी प्रोटेक्टिव सेल्फ प्रोटेक्टिव डिवाइसेज होते हैं उनका यूज करता है, जिससे इजीली क्या नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जब इस प्रकार के ट्रैक्शन लगाते हैं तो क्या क्या यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं, भाई आप बोन में लगा रहे हो, बोन के टच कर रहे हो, तो वहां पे क्या क्या यूज कर रहे हो, वायर यूज कर रहे हो। इसके अलावा पिन आती है, पिन्स यूज कर रहे हो, टोंग आती है, टोंग यूज कर रहे हो। तो टोंग, पिन और वायर, ये सारे चीजें हैं जो आप स्किन पे पेनिट्रेट करते हुए बोन पे अटैच कर रहे हो, प्लेस थ्रू बोन, दिस बोन पे यूज कर रहे हैं, प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यू फोल्ड। यानी कि एक करने का रीजन ये है कि वहां पे हम जो भी फोर्स लगाएंगे वो स्ट्रॉन्ग लगाएंगे और कंटिन्यू खींचने वाला फोर्स लगाएंगे। तो इस प्रकार के ट्रैक्शन होते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन, ठीक है। स्केलेटल ट्रैक्शन इज यूज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ट्रीटिंग फ्रैक्चर ऑफ फीमर। यस, इस प्रकार के जो ट्रैक्शन लगाते हैं वो कौन सी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए लगाते हैं, फीमर में जितने भी फ्रैक्चर होते हैं, फीमर की नेक के फ्रैक्चर, फीमर की सेप्ट के फ्रैक्चर होते हैं, फीमर के डिस्टल पार्ट के फ्रैक्चर होते हैं, जितने भी फ्रैक्चर होते हैं सबके अंदर क्या लगवाते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन। इसके अलावा हुमरस के अंदर, हुमरस बोन में, यानी अपर आर्म वाली बोन ये हुमरस, इसमें भी जितने भी फ्रैक्चर होते हैं तो कौन से ट्रैक्शन लगाते हैं, स्केलेटल वाले ट्रैक्शन लगाते हैं। टीबिया के अंदर, फिबुला के अंदर, उसकी ट्यूब्रोसिटी के फ्रैक्चर के अंदर यूज करवाते हैं, सर्वाइकल के जितने भी फ्रैक्चर होते हैं उसमें भी क्या लगाते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन लगाते हैं। तो स्केलेटल ट्रैक्शन हमारे फीमर के फ्रैक्चर में, हमारे हुमरस के फ्रैक्चर में, हमारी स्पाइन के फ्रैक्चर, सर्वाइकल वर्टिब्राज के फ्रैक्चर्स के अंदर, टीबिया फिबुला के हेड या उसके ट्यूब्रोसिटी के फ्रैक्चर होते हैं, सबके अंदर कौन से ट्रैक्शन लगाते हैं, बोले स्किन ट्रैक्शन नहीं लगाते, कौन से लगाते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है, जो बोन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है। यस, स्केलेटल ट्रैक्शन की बात करें तो हमने ये पढ़ लिया कि वेट इज अप्लाई डायरेक्टली ऑन बोन,
कि वजन लगाना है लेकिन कहाँ लगाना है, बोले डायरेक्ट बोन पे लगाना है, तो ऐसे स्केलेटल हो गए। अब देखो इसके एग्जांपल लेते हैं, टाइप लेते हैं। पहला टाइप है हेलोट्रैक्शन। हेलोट्रैक्शन में क्या होता है कि एक पर्सन के ये जो सर्वाइकल इंजरी या स्पाइन की जितनी भी इंजरी होती है, फ्रैक्चर होते हैं, उनके लिए यूज करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके हेड को आपकी गर्दन के साथ क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, यानी ये शोल्डर वाला एरिया है और ये आपका हेड है, इन दोनों के ऊपर इस प्रकार के स्किन वाले, स्किन से पेनिट्रेट करते हुए बोन के ऊपर डिवाइस लगाते हैं, जिससे आपका गर्दन है वो क्या नहीं होगा, मूव नहीं करेगा। और गर्दन मूव नहीं करवाना है क्योंकि फ्रैक्चर सर्वाइकल हो गए, इसलिए यूज नहीं करवा। तो हेलोट्रैक्शन में क्या है, देखो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है ये आपके शोल्डर पे लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके हेड पे लगा हुआ है, दोनों को साइड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये क्या नहीं होगी, आपकी गर्दन मूव नहीं करेगी, आपकी गर्दन मूव नहीं करेगी। ये आपको लेटरल में दिखाया गया, ये आपको सामने से दिखाया, फ्रंट से दिखाई गई इमेज है। तो इसमें क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्वाइकल फ्रैक्चर के अंदर कौन सी डिवाइस यूज करवाते हैं, तो हम बोलेंगे सर्वाइकल स्पाइन के फ्रैक्चर में हेलोट्रैक्शन यूज करवाते हैं। ये इमेज से भी बता दोगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक इमेज दी थी ऋषिकेशंस में और बोला था कि ये किस टाइप के ट्रैक्शन है, तो हम बोलेंगे कैसे टाइप के, बोले हेलो टाइप के ट्रैक्शन है, सर्वाइकल फ्रैक्चर में यूज करवाते हैं, क्लियर। तो इसमें देखो क्या लिखा है कि एन सर्कल एंड ए फिक्स टू द हेड, हेड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ऑफ ए पेशेंट मैनेज टू डिसस्टेबलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, कई बार स्पाइन होती है डिसस्टेबलाइज होती थी, उसको स्टेबलाइज करने के लिए इस प्रकार के डिवाइसेज यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हेलो ट्रैक्स, क्लियर स्टूडेंट। तो इमेज देख के बता देगा इजीली। एक सेकेंड टाइप के स्केलेटल ट्रैक्शन है, दिस आर सर्वाइकल टांग ट्रैक्शन। सर्वाइकल टांग ट्रैक्शन क्या है कि अब की बार क्या कर रहे हैं, हम एक लाइक ऐसी डिवाइस जो डायरेक्ट आपके हेड पे लगाई जा रही है, और उस हेड पे लगाने के बाद में उसको पुली किया जाता है, मतलब उसको एक रस्सी के द्वारा पुली से वेट को यूज किया जाता है, जिससे क्या होगा, वो ऊपर की तरफ पुल हो जाएगा। अब देखो इमेज में एक पेशेंट को हमने सुला दिया, ठीक है, सुलाने के बाद में उसके हेड में दो छेद कर दिए, दो छेद करने के बाद में एक इंस्ट्रूमेंट लाए और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ऐसे फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद में इसके रस्सी बांधी और इस पुली के द्वारा नीचे की तरफ वजन लटका दिया। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जहाँ पे रस्सी, पुली और वेट आता है, जिसको ट्रैक्शन बोलते हैं, तीनों चीजें आ गई, ठीक है। तो देखो सर्वाइकल टंग ट्रैक्शन में हेड के ऊपर हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया, यूज फॉर ट्रीट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर, भाई सर्वाइकल वाला पार्ट, स्पेशली जिसमें C7 है, ये सर्वाइकल वर्टिब्राज है, तो जितने भी C7 में इंजरीज हो रही है उसके लिए हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज करवाते हैं, तो सर्वाइकल टांग ट्रैक्शन। सर्वाइकल टांग ट्रैक्शन है, ये ट्रैक्शन आपको इमेज से आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो ये आपको यहाँ पे ये सर्वाइकल वर्टिब्राज दिख रही है, यहाँ पे देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या हो गई, फ्रैक्चर, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गई। इसको सीधा करने के लिए, सीधा करने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, जिसको क्या बोला, सर्वाइकल ट्रैक्शन। कौन सा ट्रैक्शन होता है, बोले स्केलेटन वाला, क्यों होता है, क्योंकि डायरेक्ट बोन के ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्पेशल मेथड आता है जिसको बोलते हैं लॉग रोलिंग मेथड। ये भी कई बार पूछते हैं कि लॉग रोलिंग मेथड किस में यूज करवाते हैं, तो ये स्पाइन के फ्रैक्चर में यूज करवाते हैं। यस स्टूडेंट, किसके फ्रैक्चर में, स्पाइन। तो यूज इन स्पाइन फ्रैक्चर और एनी टाइप ऑफ स्पाइनल फ्रैक्चर, या फिर एक तरह से सर्जरीज, फ्रैक्चर या फिर सर्जरीज, जितनी भी सर्जरीज होती है, किससे रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, उसमें एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं लॉग रोलिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि पर्सन को यदि शिफ्ट करना है तो उस शिफ्टिंग के दौरान पर्सन को रोलिंग करवाना है। रोलिंग के लिए तीन पर्सन की जरूरत होती है, तीन हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो इसको क्या करवाते हैं, इस मेथड को कंडक्ट करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो लिखा हुआ है कि द पेशेंट आर्म्स विल बी क्लोज्ड
एंड द स्पाइन अलाइन। पेशेंट की जो आर्म है क्लोज हो गए, क्लोज करवा दी, आर्म्स को क्लोज करवा दिया, ठीक है, ओके। एंड द अवॉइड ट्विस्टिंग द स्पाइन, स्पाइन को ट्विस्ट नहीं, मुड़ना नहीं है। द हेड शोल्डर नी एंड हिप आर ट्रेंडेड, मतलब सब एक साथ में मूव करेंगे, हेड शोल्डर लेग्स बटेक्स ये सारे सब एक साथ में मूव। देखो ये पेशेंट है, इस पेशेंट को ये तीन वाले पर्सन है वो एक साथ क्या करवा रहे हैं, रोलिंग करवा रहे हैं, है ना, तो बेड सीट के साथ रोलिंग करवा रहे हैं। हिप आर टर्न एट द सेम टाइम सो दैट द पेशेंट रोल अवर लाइक ए लॉग, लॉग की तरह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। व्हेन इट इज ए साइड लाइन पोजिशन, जब ये साइड लाइन पोजिशन में दे रहे हो, भाई ये कौन सी पोजिशन है, साइड लाइन, जब साइड लाइन पोजिशन में दे रहे हो द पेशेंट बैक बटेक्स एंड लेग्स आर सपोर्टेड विद पिलो, जब इस प्रकार की पोजीशन साइड लाइन वाली पोजीशन दे रहे हो तो दोनों पैरों के बीच में पिलो लगा दे, उनके साथ सपोर्ट देते हैं, पिलो का सपोर्ट देते हैं, कहां कहां पे देते हैं, तो हमने बोला कि बटेक्स वाले के, बैक वाले के और लेग वाले, इन एरियाओं पे क्या देते हैं, सपोर्ट करवाते हैं, पिलो का सपोर्ट करवाते हैं। तो लॉग रोलिंग मेथड है वो स्पाइन के फ्रैक्चर, स्पाइन की सर्जरी में यूज करवाते हैं, और इस प्रकार से 3% इसके अंदर कम से कम चाहिए जब लॉग रोलिंग करवाते, तो ये आपको क्लियर है, यस। फिर बात करते हैं कि थर्ड टाइप के जो ट्रैक्शन होते हैं, स्पेसिफिक ट्रैक्शन होते हैं, मतलब ये स्किन वाले भी होते हैं, स्केलेटल वाले, लेकिन ये स्पेसिफाई होते हैं, स्पेसिफिक ट्रैक्शन होते हैं, जो हमने सिंपल पूछ पढ़ लिए थे कि स्किन वाले थे, बक वाले, रुसेल वाले, वेरिएंट वाले, इसके अलावा स्केलेटल के पढ़ लिए थे, जिसके अंदर कौन कौन से थे, जिसमें हेलो ट्रैक्शन, सर्वाइकल, टोंग ट्रैक्शन, ये पढ़ लिए। अब स्पेसिफिक ट्रैक्शन होते हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो पहला स्पेसिफिक ट्रैक्शन है जिसको बोलते हैं बैलेंस सस्पेंस ट्रैक्शन। बैलेंस सस्पेंस ट्रैक्शन है कि हवा के अंदर रखना है भाई, जो भी पार्ट आप यूज करवा रहे हो ट्रैक्शन जिस पे, उसको हवा में रखना, मतलब सस्पेंस करना है और बैलेंस बनाना है, क्योंकि फ्रैक्चर वाला पार्ट है उसको हवा में रखना है और क्या करवाना, उसका बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो यूज एडिशनल वेट, भाई एडिशनल वेट लगाते हैं, जैसे ये कितने सारे वेट लग रहे हैं आपको, एडिशनल वेट टू काउंटर बैलेंस, बैलेंस बनाने के लिए द ट्रैक्शन फोर्स, ये जो आपको दिख रहा है ट्रैक्शन लगा रहे हैं, इस पर क्या किया, पहले आपने एक सीधी डिवाइसेज लगाई, इसको बांध दिया, वजन लटका दिया, ठीक है, इसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल वे में डिवाइस लगाई, उसको वजन से बांध दिया। अब देखो कितने इसके ऊपर वजन लगाए, मल्टीपल डिवाइसेज यूज करवा के एक एक्सट्रीमिटीज को आपने हवा में फ्लोटिंग किया, यानी कि फ्लोट द एक्सट्रीमिटीज, ये फ्लोट करती है, बेड पे टिकता नहीं है, बेड पे नहीं टिकता है, हवा में रहता है, इन्हें ट्रैक्शन अपरेटस, भाई ट्रैक्शन अपरेटस के ऊपर है, फिक्स्ड है। ब्रेक ए फीमर बोन, जब ये फीमर बोन ब्रेक हो जाती है तो इसके लिए यूज करवाते हैं हम क्या, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन। इन दिस वेट इज अप्लाई इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, भाई देखो फॉरवर्ड है आगे की तरफ और फिर है बैकवर्ड नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर यूज, वेट यूज करवा रहे हैं। तो इस प्रकार के ट्रैक्शन को बोलते हैं बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन। बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन बस इतना याद रखना कि एक्सट्रीमिटीज को हवा में रखना है, फीमर के फ्रैक्चर में एक्सट्रीमिटीज को ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड नीचे की तरफ इस प्रकार से वेट को अप्लाई करना, बस क्लियर। इमेज से पता चल जाएगा कितने सारे वजन लग रहे हैं, इसका मतलब बैलेंस वाले हैं, काउंटर बैलेंस बनाने वाले ट्रैक्स, क्लियर स्टूडेंट। सेकंड होते हैं स्पेसिफिक ट्रैक्शन जिनका नाम है डनलूप ट्रैक्शन, भाई पहले सस्पेंशन थे, डनलूप ट्रैक्शन। डनलूप ट्रैक्शन देखो क्या है कि एक बेबी है, स्पेशली चिल्ड्रंस में होते हैं, चिल्ड्रंस में यूज करवाते हैं, इस बेबी का ये हुमरस वाला पार्ट है वो डैमेज हो गया, और हुमरस का भी कौन सा, जिसमें हमने बोला कि सुपीरियर कोंडाइल या सुप्रा कोंडाइल और एक तरह से लेटरल कोंडाइल्स होते हैं, ये क्या हो गए, फ्रैक्चर्ड हो गए, लेटरल फीमर के लेटरल और सुप्रा कोंडाइल फ्रैक्चर, जिससे इसको इस प्रकार से ट्रैक्शन लगाते हैं, इसको ट्रैक्शन क्या बोलते हैं, डनलूप ट्रैक्शन। देखो बेड के ऊपर इस साइड से हम क्या लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, एक तो पर्सन को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और दूसरा एक इस प्रकार से मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये वजन लगा दिया और इस प्रकार का डिवाइस लगा दिया। इमेज याद रखनी है कि आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज इस प्रकार से
ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाइड है, ट्रैक्शन के ऊपर सपोर्टेड है, तो कौन सा ट्रैक्शन? बोले डन लूप ट्रैक्शन। इस प्रकार के ट्रैक्शन को आप बोलते हैं डन लूप टाइप के ट्रैक्शन। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपके ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया तो कौन सा ट्रैक्शन? बोले डन लूप ट्रैक्शन। फ्रैक्चर सुप्राकोंडाइल का हुआ है तो साइड में ह्यूमरस को फ्रैक्चर के लिए हैंड्स को इस प्रकार से क्या कर देते हैं? वेट के साथ फिक्स कर देते हैं। कौन सा ट्रैक्शन? डन लूप ट्रैक्शन। क्लियर। थर्ड स्पेसिफिक ट्रैक्शन होता है पेल्विक ट्रैक्शन। पेल्विक ट्रैक्शन में क्या होता है कि पेल्विक बोन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं यूज इन। देखो कई बार क्या होता है कि इस पेल्विस की बोन है, इस पे क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया, या फिर लोअर पेन होता है उसके लिए भी यूज करवाते हैं। तो इट इज यूज इन द पेल्विक बोन, बट पेल्विक नाम ही पेल्विक है तो ट्रैक्शन भी कौन सा? पेल्विक वाला। रिलीव पेन, पेन को रिलीव करने के लिए, बैक का पेन होता है या पेल्विक के अंदर जितना भी पेन होते हैं उनके लिए जो ट्रैक्शन यूज करवाते हैं, दिस द पेल्विक ट्रैक्शन। तो पेल्विक ट्रैक्शन है लोअर बैक पेन और स्पाज्म, उसको ट्रीट करने के लिए पेल्विस पे एक पट्टा बांध दिया, इस पट्टे को हमने क्या कर लिया? वजन से खींच लिया, ठीक है, रस्सी लगा के वजन से, इधर वजन लटका हुआ है इसे खींच लिया। इस प्रकार के ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? पेल्विक ट्रैक्शन। इमेज से पता चल रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पता चल जाएगा कि आपके एक लोअर एब्डोमेन पे एक पट्टा बंधा हुआ है और ये वजन खींच रहा है, कौन सा ट्रैक्शन? बोले बोलो वो पेल्विक पे लगा होता, पेल्विक ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, इतना ईजी है। नेक्स्ट है फोर्थ स्पेसिफिक ट्रैक्शन, जिसको सर्वाइकल ट्रैक्शन बोलते हैं। सर्वाइकल ट्रैक्शन है, इसको हेड हेल्टर ट्रैक्शन भी बोलते हैं। हेड को हेल्टर, हेड हेल्टर, हेड को फिक्स कर रहा। देखो पीछे की तरफ भी इस पे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, डिवाइसेज हैं, और आगे की तरफ इस प्रकार से ये जो ट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं हेड हेल्टर ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन है। सर्वाइकल एरिया में स्पाज्म आ जाती है, सर्वाइकल के अंदर कई स्ट्रेच आ जाते हैं, स्ट्रेचेज आ जाते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए इस प्रकार की डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन या फिर हेल्टर ट्रैक्शन। तो किस में यूज करवा रहे हैं? नेक की स्पाज, कई बार गर्दन में स्पाज्म हो जाता है, जैसे बच्चों के अंदर स्पाज्म हो रहा था, ठीक है भाई, इस आपको पता है कि ये आपकी पर्सन की गर्दन है, इसके अंदर दो मसल्स काम करती हैं, कौन कौन सी? बोले ट्रेपीजियस और सेकंड वन है स्टेनो क्लेडो मास्टॉइड। स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस, ये दो मसल्स आपकी गर्दन में पाई जाती है। कई बार क्या होता है नेक के अंदर अचानक स्पाज्म आ जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ट्विस्टिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर इस प्रकार की ट्विस्टिंग को हम टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्टिकोलिस, टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस कंडीशन में क्या होता है कि हेड ट्विस्ट टू वन साइड एंड नेक कॉन्ट्रेक्शन एट वन साइड, नेक के अंदर मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, जिस साइड हेड क्या हो जाता है? ट्विस्ट हो जाता है। इसमें सीवियर पेन होता है जब इस प्रकार से पर्सन क्या करता है, इनको मूव करता है। तो कौन सी मसल्स में हो रहा है? ट्रेपीजियस और स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स में हो रहा है। ये ट्रेपीजियस और मास्टॉइड मसल्स होती है, इनको 11th नंबर की क्रेनियल नर्व क्या करती है? 11th नंबर की क्रेनियल नर्व इनको सप्लाई करती है, जिसको बोलते हैं असेसरी नर्व। क्रेनियल नर्व कौन सी है? असेसरी नर्व, ठीक है, जो यूज करो। तो इस प्रकार के कई भी छोटे बच्चों के अंदर या अडल्ट में जो भी स्पाज्म होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वाइकल ट्रैक्शन यूज करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जिसका दूसरा नाम है आप याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा कि हेड हेल्टर ट्रैक्शन को ही सर्वाइकल ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, ओके। ये बात होगी ट्रैक्शन की। हमने तीन टाइप के ट्रैक्शन पढ़े थे, एक टाइप के ट्रैक्शन जो डायरेक्ट स्किन पे लग रहे थे, दूसरे जो बोन पे लग रहे थे, स्केलेटन पे लग रहे थे, तीसरे स्पेसिफिक थे। पहले हमने पढ़ लिए थे तीन टाइप के थे, स्किन वाले थे बक्स, बेरियन, ड्रूसेल, ठीक है। दूसरे जो स्केलेटन वाले थे वो हमने पढ़ लिया था हेलो ट्रैक्शन और सर्वाइकल टॉन्ग ट्रैक्शन। तीसरे जो स्पेसिफिक थे उसके अंदर देखा था कि बेलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन था, इसके अलावा दूसरा कौन सा था? अभी सर्वाइकल ट्रैक्शन था, पेल्विक ट्रैक्शन था और डनलूप ट्रैक्शन था। ये चारों ट्रैक्शन कौन से थे? स्पेसिफिक ट्रैक्शन। हमने इमेज देख ली इनकी, क्लियर बात हो गई, यस, ओके। ट्रैक्शन तो लगा दिया लेकिन इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, अब कॉम्प्लिकेशन होंगे कि नहीं होंगे? भाई ट्रैक्शन लगाया आपने
तो वहां पे आपने एक एक्स्ट्रा वेट लगाया है, एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाई है, बॉडी के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी होगी, तो वहां पे देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। पहला इन्फेक्शन, भाई आपने क्या किया है कि डायरेक्ट स्किन पे लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने स्किन को पेनिट्रेट करके डिवाइस लगाई है, तो स्किन पेनिट्रेट हुई है इसका मतलब इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ट्रैक्शन के पास में जो एरिया है जो पेनिट्रेट हुआ वहाँ पे इजीली बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे हमने सर्वाइकल ट्रंक ट्रैक्शन लगा रहे थे तो हेड पे क्या किया था, यहाँ पे वो ओपनिंग की थी, तो इजीली इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, कंडीशन डेवलप हो सकती है इन्फेक्शन की। नेक्स्ट वन है स्किन ब्रेकडाउन। स्किन ब्रेकडाउन होने का मतलब यह है कि पर्सन की एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसके अलावा जो ट्रैक्शन लगा रहे हैं वो ट्रैक्शन में कई बार स्क्रेचिंग हो जाती है, या फिर वो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लगे हुए हैं, तो वहां से नीचे से स्किन क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन होने लग जाएगी, क्योंकि उस स्किन के ऊपर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लगने से ब्लड सप्लाई कम होगी और वहां पे इजीली टिश्यू क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो स्किन ब्रेकडाउन के चांस बढ़ जाएंगे, जिसमें हम बोल सकते हैं लंबे समय तक कुछ चलता रहता नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर टिश्यू होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं नेक्रोसिस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज रिजल्टिंग इन इंक्रीज पेन। न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये हुआ कि कंप्रेशन लगा, कंप्रेशन लगने के बाद में सर्कुलेशन रुक गया। एक बात, सर्कुलेशन रुकने से पार्ट के मोमेंट कम हो जाएंगे, इसके अलावा सर्कुलेशन के अलावा वो पार्ट पेलर हो जाएगा और वहाँ पे सेंसेशन कम हो जाएंगे। इस प्रकार की कॉम्प्रोमाइज कंडीशन जैसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर हमने देखा था, तो पेन इंक्रीज होता है, ठीक है, मसल्स स्पाज्म हो जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, टोन कम हो जाएंगी, पार्ट में नमनेस सेंसेशन कम हो जाएंगे, टिंगलिंग नम सेंसेशन आएंगे, सेंसेशन लॉस ही हो जाएंगे, अब नॉर्मल सेंसेशन आएंगे, इसके अलावा सेंसेशन ही लॉस हो जाएंगे, तो न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने जहां पे ट्रैक्शन लगाया है वो ट्रैक्शन से इतना कंप्रेशन लगा है कि आगे वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो गई या फिर एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गई। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन आने के चांस रहते। सॉरी, फोर्थ वन है इमोबिलिटी। इमोबिलिटी की बात करें तो पर्सन में लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहना, बेड रिडन पेशेंट है, मूव नहीं कर रहे हैं, तो इस पर्सन में क्या होते हैं कि बहुत सारे अबनॉर्मलिटी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। भाई आप एक ही पर्सन को लंबे समय तक पोजीशन में रखोगे, सेम पोजीशन में रखोगे, तो उसकी डेली एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। जो पहले खाना इतना डाइजेस्ट हो रहा था, इतना एब्जॉर्ब हो रहा था, वो अब एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि मसल टोन कम हो गए, मसल टोन एक्सरसाइज से बढ़ रहे हैं, पर्सन मूव कर रहा था बढ़ रहे हैं, पर्सन मूव ही नहीं कर रहा तो क्या होंगे, एनोरेक्सिया आ जाएगा, पर्सन के अंदर कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या नहीं हो रहे, कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहे, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट डेवलप नहीं हो रहे, तो फिर कॉन्स्टिपेशन में चला जाएगा पर्सन। ठीक है, इसके अलावा पर्सन के अंदर और क्या कंडीशन हो सकती है, स्किन इंटीग्रिटी इंपेयरमेंट हो सकती है, लंबे समय तक प्रेशर, लंबे समय तक एक ही साइड में प्रेशर लग रहा है, प्रेशर सोर हो जाएंगे, स्किन की इंटीग्रिटी इंपेयरमेंट हो जाएगी, तो प्रेशर सोर हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, पर्सन के कई बार ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, जिसको बोलते हैं हम कौन सी कंडीशन, एटेलेक्टेसिस या फिर स्टेटिक न्यूमोनिया। स्टेटिक न्यूमोनिया का मतलब होगा एक ही पोजीशन में रहने से भी न्यूमोनिया हो जाता है, एक ही पोजीशन में रहने से भी न्यूमोनिया हो जाता है, क्योंकि पर्सन डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, पर्सन के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके कारण स्टेटिक न्यूमोनिया डेवलप हो जाता है और पर्सन के अंदर बैक्टीरिया का इजीली ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्टेसिस न्यूमोनिया का मतलब हो गया कि पोजीशन में रुकने के कारण डेवलप हो गया, स्टेटिक अलग चीज होती है। थ्रोम्बोफिलिबाइटिस का मतलब लंबे समय से की पोजीशन में रहने से वेन के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, इन्फेक्शन हो जाएगा, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस हो जाएगी। इसके अलावा प्रेशर अल्सर की बात कर लिए, एक्सपोजिशन में रहने के कारण ये कंडीशन आती है। यूरिनरी इन्फेक्शन एंड यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब लंबे समय तक पर्सन में यूरिन का रिटेंशन होगा, प्रॉपर रूप से ब्लैडर खाली नहीं होगा, या फिर हम बोले कि रीनल पेल्विस के अंदर लंबे समय से यूरिन कलेक्टेड है, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएंगे, तो रीनल पेल्विस के अंदर भी सबसे ज्यादा, भाई हम बोले कि सबसे ज्यादा कौन सी साइड जिसमें पेल्विस की, सॉरी नॉट पेल्विस, यूरिनरी सिस्टम की मोस्ट कॉमन साइड जहाँ पे स्टोन बनते हैं। तो देखो, जब हम इसकी बात करें
केलकुलाई की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो बोले रीनल पेल्विस। इसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, रीनल पेल्विस। देखो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं अलग से तो आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने केलकुलाई देखी थी कि मोस्ट कॉमन साइट तो हो गई रीनल पेल्विस। अब देखो डायग्राम, ये आपकी किडनी है और ये किडनी के बाद में सॉरी ये पेल्विक पार्ट, किडनी का ये क्या है पेल्विक पार्ट है, ये इस प्रकार से होता है। इस पे आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 ml यूरिन, इस यूरिन वाले पार्ट पे पेल्विक रीनल पेल्विक वाले पार्ट पे 3 से 5 ml तक यूरिन एनी टाइम रहता है यहाँ पे, ठीक है, कि ये कभी खाली नहीं होता है। तो 3 से 5 ml यूरिन रहेगा, उसमें कैल्शियम भी रहेगा, तो लंबे समय तक यूरिन डिटेंशन रह रहा है तो सबसे ज्यादा स्टोन कहाँ बनेंगे, तो बोले रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। अब देखो आपको उसका रेशनल मिल गया कि लंबे समय से 3 से 5 ml यूरिन है, इस 3 से 5 ml यूरिन के अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन बनने के चांस रहते हैं क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। एक बात कंप्लीट हो गई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कई बार ये बनता है कि ये पेल्विस के बाद में यूरेटर स्टार्ट हो गए और यूरेटर किधर आके मिलेंगे, बोले ब्लेडर में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, ब्लेडर, ये ब्लेडर वाला। ब्लेडर से पहले एक पार्ट आता जिसको बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल स्पिंचर। ये कौन सा स्पिंचर है, इधर यूरेटर आ रहा है, ये ब्लेडर है, तो इसको कौन सा स्पिंचर बोलेंगे, यूरेट्रोवेसिकल स्पिंचर, ठीक है। यूरेट्रोवेसिकल स्पिंचर में नेरो होने के कारण कई बार स्टोन यहाँ से टूट जाते हैं और किधर आके फंस जाते हैं, तो बोले यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन में आके या स्पिंचर में आके क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते। तो देखो एक तो होता है मोस्ट कॉमन साइड, तो बोले रीनल पेल्विस। मोस्ट कॉमन स्टेसिस ऑफ स्टोन, स्टेसिस ऑफ स्टोन, रुकते कहाँ स्टोन सबसे ज्यादा, तो ये वाली साइड। यूरेट्रोवेसिकल स्पिंचर से पहले नेरो होता है यूरेटर, वहां पे आके स्टोन रुक जाते हैं, ठीक है, तब जाके पर्सन को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, ठीक है। तो ये हमने बात की कि कैलकुलाई इस प्रकार से डेवलप होती है। क्लियर स्टूडेंट। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पर्सन लंबे समय तक सेम पोजिशन में इमोबिलिटी हो रही है जिसके कारण मूवमेंट नहीं हो रहे तो डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो खाना जो खाया था वो एक तरह से उसका फ्लूड तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और कंटेंट्स बच जाएंगे, पर्सन कॉन्स्टिपेशन में चला जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन है वो इमोबिलिटी के अंदर आपको मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके कारण बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। भाई जब भी GIT की बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जो मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल डिजीज करने वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई कॉम्प्लिकेशन की, ट्रैक्शन लगाने के बाद में ये आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, क्लियर। अब बात करते हैं नर्सिंग असेसमेंट। जब भी आप ट्रैक्शन लगाते हैं तो कुछ असेस करते हैं वहां पे, नर्सिंग असेसमेंट, बाय नर्सिंग का रोल हो जाता है फिर वहां पे। तो असेस फॉर पेन एंड स्वेलिंग, जब भी ट्रैक्शन लगाते हैं तो उसके आसपास के एरिया को चेक करते हैं कि पेन हो रहा नहीं हो पर्सन को। ट्रैक्शन में ज्यादा वजन लगा दिया तो पर्सन के ज्यादा वजन सहन नहीं होगा तो फिर पेन होने लग जाएगा, ठीक है। ट्रैक्शन लगाने के बाद में सर्कुलेशन रुक गया, स्वेलिंग आ जाएगी, तो पेन और स्वेलिंग को क्या कर लिया हमने, असेस कर लिया। है तो फिर हम करेक्शन करते हैं, नहीं है तो फिर कंटिन्यू केयर चलने थे। इसके बाद में स्किन की कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि स्किन प्रॉपर रूप से पेटेंट है, स्किन का कलर है वो नॉर्मल है, पेलर कलर नहीं है, इसके अलावा पर्सन के अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई रप्चर नहीं हो रहा है, इस प्रकार की कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं हो रही है, वो चेक कर ले। असेस फॉर अलाइनमेंट ऑफ द अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स के अलाइनमेंट को असेस करते हैं कि क्या आपने ट्रैक्शन तो लगा दिया लेकिन ट्रैक्शन इस प्रकार से लगाया कि जो बोन थी वो नॉर्मल आई नहीं, वो साइड के अंदर है या फिर पोजीशन ऐसी है कि पर्सन सहन ही नहीं कर पा रहा। कि जैसे आपने ट्रैक्शन लगाया तो एक अलाइन में लगाएंगे ना, लेकिन क्या होता है कि कई बार पैर मुड़ जाता है, घूम जाता है, फिर भी सीधा ट्रैक्शन नहीं लगता है, तो ये भी चेक करना नर्स को। फॉर असेस फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, भाई अपने जो कॉम्प्लिकेशन देखे उसके साइन सिम्टम आएंगे नहीं आएंगे, आ रहे हैं तो फिर उनको करेक्ट भी करना है, क्योंकि
देखो जब भी ट्रैक्शन लगा रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे जितना जल्दी हो सके उनको प्रिवेंट कर देंगे तो इंजरी के चांस कम हो जाएंगे, और ज्यादा आप डिले करोगे तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ज्यादा होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉम्प्लिकेशन को साइन सिम्टम को आप असेस करना है। क्लियर स्टूडेंट? देखो वेट शुड हैंग फ्रीली, वेट शुड हैंग फ्रीली का मतलब ये हो गया कि आपने ट्रैक्शन के साथ ट्रैक्शन जब अप्लाई किया तो वजन लगाया, वजन कभी फ्लोर के टच नहीं होना चाहिए। भाई फ्लोर के टच हो रहा था फिर वजन क्यों लगाया, ये तो फिर कोई इसका यूज ही नहीं हुआ। तो जो वजन आपने जितना भी लगाया है ऐड किया है वो फ्री होना चाहिए, वो फ्लोर के टच नहीं होना चाहिए, वो हवा में रहना चाहिए, तभी ट्रैक्शन काम करेंगे, फोर्स लगेगा तभी। ठीक है, ये बातें याद रखनी। क्लियर? तो ये है हमने नर्सिंग असेस किया है कुछ कंडीशंस को। फिर नर्सिंग अटेंशन, कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे फोकस करना पड़ता है, ट्रैक्शन लगा रहे हैं कुछ फोकस करना पड़ेगा, फोकस ये करना पड़ेगा कि आपको ज्यादा वहां पे क्या बोलते हैं ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि आपने वजन लगा दिया और फिर आप चेक करोगे कि ये तो कम है, लो 2 किलो और लगा देते हैं या फिर 2 किलो कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं करना है। तो ये जो आपने ट्रैक्शन या फिर ट्रैक्शन पे जो वजन लगाया वो डॉक्टर की अकॉर्डिंग चेंज करना है, डॉक्टर तो आप कभी भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना, ये ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ज्यादा वजन लगाने से भी अबनॉर्मलिटी आ जाएगी, कम से फिर सही नहीं होगा काम। तो इसमें क्या लिखा है कि नेवर रिमूव वेट, वेट को रिमूव नहीं करना है व्हेन रिपोजिशन द पेशेंट, जब पोजीशन दूसरी लेता है, पेशेंट दूसरी पोजीशन ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि चलो एक बार तेरा उतार देता फिर वापिस लगा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, पोजीशन लेती है तो वजन को रिमूव नहीं करना है पहली बात। इन स्केलेटल ट्रैक्शन अभी बिकॉज दिस विल इंटरप्ट द लाइन ऑफ पुल, जिस जैसे ये आपकी एक्सट्रीमिटीज थी, क्लियर, इस एक्सट्रीमिटीज के आपने ट्रैक्शन लगा दिया, ये आपके खींची हुई एक्सट्रीमिटीज एक स्ट्रेट लाइन में थी लेकिन आपने पोजीशन चेंज करने से ये लाइन ही चेंज हो गई, तो फिर क्या होगा, पेशेंट के बहुत ज्यादा पेन होगा क्योंकि वजन से बोन खींची हुई है, आपने वजन के दौरान पोजीशन दिया है और आपकी एक्सट्रीमिटीज वो चेंज हो गई है पोजीशन, उसकी बहुत ज्यादा पेन होगा। ध्यान रखना है नर्स को ये इस प्रकार के अटेंशन देना इस प्रकार की कंडीशन पे। ओके, दूसरी बात है एवरी कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट इज ट्रैक्शन शुड बी इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली टू परवेंट इंजरी, ये हमने पहले बात कर ली कि एक नर्स को ट्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट आती है पेशेंट की उनको जल्दी से जल्दी जितना हो सके उनको क्या करना है, सोल्व करना, जिससे किसके चांस कम हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन के चांस कम हो जाएंगे। भाई कॉम्प्लिकेशन हो नहीं पाएंगे क्योंकि आपने ट्रीट क्या कर दिया, उसको जल्दी कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। भाई इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि नर्सिंग की प्रायोरिटी, कि आपने ट्रैक्शन लगाया सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करते हैं ट्रैक्शन के अंदर। तो देखो सबसे पहले आपको इमोबिलाइज किया जा रहा है, ट्रैक्शन लगा रहे हैं, वजन आपके लटकाया जा रहा है, वजन लटकाने से आप हिलडुल नहीं पाओगे, अब आप फिक्स कर दिए गए, तो आपकी यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी नर्स की देखने को मिलती है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, पर्सन हिलडुल नहीं पाएगा वजन के कारण, तो यहाँ पे इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी को फर्स्ट डायग्नोसिस रखा गया है। अब यहाँ पे पर्सन के प्रेशर सोर्स है, प्रेशर एरिया के अंदर उसको असेस करना है, पर्सन को क्या करवाना है, पेसिवली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवाना है जिससे उसके कॉन्स्टिपेशन अनोरेक्सिया की कंडीशन सही हो। तो फिजिकल मोबिलिटी इंपेयरमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि पैर टूट गया है, चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। गर्दन टूट गई है तो पर्सन सीधी रख पाएगा, तो ये फिजिकल इंपेयरमेंट है उसका, वो आप यहाँ पे फर्स्ट रखोगे। सेकेंड वन है रिस्क फॉर इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। भाई ये बात आ गई कि पर्सन के आपने ट्रैक्शन लगा दिया, स्किन इंटीग्रिटी इंपेयरमेंट के चांस बढ़ जाएंगे, प्रेशर के कारण स्किन क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, तो फिर वहां पे क्या करना है, आपको स्किन को केयर देनी है। ठीक है, इस प्रकार से स्किन इंटीग्रिटी को इंपेयर को रोकना है। नेक्स्ट वन है रिस्क फॉर पेरिपरल न्यूरोवेस्कुलर डिस्फंक्शन। सराउंडिंग के अंदर आपने जैसे सेंटर में या फिर बोन पे जहां पे प्रेशर लगाया है उसके बाद के पेरिपरल एरिया में आपको अबनॉर्मलिटी मिल सकती है, डिसफंक्शन मिल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरोवेस्कुलर पेरिफेरल रिस्क। तो देखो न्यूरोवेस्कुलर की जब भी बात आती है तो ये तीन चीज चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, बोले सर्कुलेशन चेक करते हैं, क्या चेक करोगे भैया,
सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में क्या देखोगे, स्किन का कलर कैसा, बोले स्किन का कलर पेलर नहीं होना चाहिए, यदि स्किन का कलर पेलर है तो फिर क्या कंडीशन अबनॉर्मल है, ओके। दूसरा हमने क्या चेक किया, बोले दूसरा हमने सेंसेशन चेक किए, सेंसेशन चेक इसलिए किए कि पर्सन के अंदर नमनेस टिंगलिंग वगैरह देखने को मिल रही थी, पैरास्थेसिया की कंडीशन आ रही थी, तो उनको चेक करने के लिए हमने सेंसेशन को चेक किया, क्योंकि सेंसेशन प्रॉपर रूप से इसका मतलब पार्ट काम कर रहा है, पार्ट काम कर रहा है तो मतलब कंडीशन जल्दी सही होने वाली है। थर्ड काम करते हैं मूवमेंट को चेक करते हैं, भाई मूवमेंट हो रहा नहीं, आपने ट्रिक्स लगा दिया उसके बाद में आपके आगे की जो एंड पार्ट है डिस्टल वाला पार्ट है वो मूव ही नहीं कर रहा, इसका मतलब आपके पीछे इतना कंप्रेशन लग गया कि अब आगे वाला पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, पार्ट के अंदर प्रॉपर रूप से सेंसेशन नहीं आ रहे, पार्ट हिल डुल ही नहीं पा रहा, तो ये आप मूवमेंट चेक करवा दें। जब ट्रिक्शन लगाते हैं फिर बोले अपने हाथों की अंगुलियों को मूव करके दिखाओ, डॉक्टर बोला है। इसके अलावा पैर के ट्रैक्शन लगाते हैं तो पैर के अंगुलियों को ऐसे मूव करवाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप प्रॉपर रूप से मूव कर रहे हो, इसका मतलब ट्रैक्शन सही लगा है, गलत नहीं लगा है, ठीक है। तो ये तीनों बातें याद रखी जाती हैं। तो देखो कई बार प्रायोरिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे फिर न्यूरोवैस्कुलर कोई प्रायोरिटी देते हैं हम, या फिर इसके अलावा सेकेंड होता है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करने वाली बात आ जाती है जब ये सीवियरिटी आ जाती है। क्लियर स्टूडेंट, हमने ट्रैक्शन लगा दिया, अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा, तो वो अच्छा रिजल्ट हम क्या देख के बोलें कि अब की बार पर्सन के हमने ट्रैक्शन लगाए हैं और ये ट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से इसका इलाज होगा, तो इसके कुछ रिजल्ट देख के तो बोलेंगे ना कि जो भी पर्सन होता है उसके इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहला है एक्सरसाइज एज इंस्ट्रक्टेड, पर्सन को क्या बोलेंगे, चलो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको कई दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, आपको सांस नहीं आ रहा, आपका खाना पच नहीं रहा है, तो कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं ना आपका इलाज हो जाएगी जी। एक्सरसाइज डीप ब्रीथिंग आवरली, अरे बार बार दिन में दो तीन बार डीप ब्रीथिंग करवाते हैं, न्यूमोनिया वाली कंडीशन हो रही थी, स्टेसिस न्यूमोनिया हो रहा था, उसको ट्रीट करने के लिए यूज करवाते, ठीक है। डीप ब्रीथिंग, फ्लूड पिलाते हैं बहुत ज़्यादा जिससे यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो रहे थे, यूरिन इन्फेक्शन हो रहे थे वो नहीं होंगे अब की बार, केलकुलाई बन रही थी वो नहीं बनेगी, पानी पिलाओ, कितना पानी पिलाएं, बोले 250 से 300 लीटर तक पानी पिलाओ, ml के अंदर यूज करवाते हैं 250 से लेकर 300 24 घंटे के अंदर, ठीक है। इसके अलावा नो साइन फॉर स्किन ब्रेकडाउन अंडर ट्रैक्शन, नो साइन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन, जब आपने ट्रैक्शन लगाया है, बैंडेज लगाई है, बोनी प्रोमिनेंस पे लगाई है, तो वहां पे आपको कोई स्किन ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलनी चाहिए, यदि स्किन ब्रेकडाउन हो रही है तो ट्रैक्शन वहां पे आपके अब नॉर्मल है, प्रॉपर रूप से ट्रैक्शन यूज नहीं हुए हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है कि स्किन वहां से क्या नहीं होनी चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए, यस ओके। इसके अलावा नो ड्रेनेज, कि ये वाले पार्ट पे आपने ट्रैक्शन लगाया है, इस वाले ट्रैक्शन लगाने वाले पार्ट पे कोई भी स्किन ब्रेकडाउन नहीं हुई है, इसका मतलब ट्रैक्शन सही है, यहां से कोई डिस्चार्ज कोई ड्रेनेज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रैक्शन सही है, कोई पिन साइड से, भाई जैसे ये आपका हेड था, इस पे दो आपने पिन लगा के होल बनाए थे, इन होल से कोई किसी टाइप की ऑर्डर नहीं आ रही है, कोई फॉल स्मेल नहीं आ रही है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, वहां से कोई ड्रेनेज नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं, नो मोटर और सेंसरी इंपेयरमेंट, उस पार्ट पे क्या नहीं है, कोई भी मोटर और सेंसरी इंपेयरमेंट नहीं है, पर्सन में सेंसेशन अबनॉर्मल नहीं है, मतलब नमनेस टिंगलिंग वाली बात नहीं, आपने ट्रैक्शन यहाँ लगाया है, आगे वाले एक्सट्रीमिटीज मूव कर रही है, ट्रैक्शन बिल्कुल सही है, ट्रैक्शन वाली साइड पे कोई स्किन रप्चर नहीं हुई है, ट्रैक्शन बिल्कुल सही लगे हुए हैं, और वहां से कोई ऑर्डर नहीं आ रही है, जहां पे आपने होल करके लगाए थे उस होल वाले से कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या देखा कि पर्सन के न्यूरोवैस्कुलर अबनॉर्मलिटी थी, उसको भी हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया, मतलब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, वजन पर्सन ने हमने पर्सन को हमने पानी पिला दिया, खूब पानी पी रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 200 से 250 ml पर 24 आवर यूज कर रहे हैं तो इतना ये इंटेक कर रहा है, ठीक है, अनोरक्सिया नहीं होगा पर्सन के, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया, पर्सन को इस प्रकार की एक्सरसाइज दी कि पर्सन के स्टेसिस न्यूमोनिया हो रहा था, स्टेसिस न्यूमोनिया को भी हमने एक्सरसाइज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। तो ये आपको जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे
वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड मिल सकते हैं कि ट्रैक्शन में कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगे, एनलिस्ट करो इनको, एक आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अर्ली साइन आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको सारे क्या करने हैं, यहाँ पे करेक्ट करने हैं। इमेज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारा डिस्कशन देखा है, तो ये इमेज के साथ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हमने जो बात की है ट्रैक्शन की, ये ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस के ऊपर। अभी जो एम्स की एग्जाम आ रही है उसमें आपको ट्रैक्शन से रिलेटेड इमेज देखने को मिलेंगी, तो आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हुए जाना, ठीक है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।